हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आफ्टर रेजिडेंट एंड बिफोर रेजिडेंट के लिए कोड क्रिएट कर दिया था, तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाई दे रही है आपको, हम इन दोनों के लिए हमने कोड क्रिएट कर दिया था। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते तो हमारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, बट हम जैसे न्यूट्रिशन और टिप्स पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने एक ब्लैंक एक्टिविटी ओपन हो रही है। तो इस वीडियो में बात करने वाले, जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसे एक्टिविटी को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, टिप्स एंड डाइट ऐसे कैसे लिख के आ सकता है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ। तो आप देख सकते हो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुका हूँ। अभी हमें सबसे पहले लेआउट में आ जाना होगा एंड जो भी हमने फूड एक्टिविटी के लिए क्रिएट किया था एक्टिविटी फूड में आ जाना होगा। तो हम एक्टिविटी फूड की तरफ आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने एक्टिविटी फूड को ओपन कर दिया। अभी आपको सबसे पहले इसके लिए कोड क्रिएट करना होगा। तो कोड क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जो कंस्टिट्यूएंट लेआउट दिखाई दे रहा है आपको इसको चेंज करना होगा, रिलेटिव लेआउट में चेंज करना होगा। मैं रिलेटिव लेआउट कर दिया है अभी एंड आपको फूड एक्टिविटी के नीचे लीनियर लेआउट को यूज करना होगा। मैं लीनियर लेआउट में चेंज कर देता हूँ इसको एंड विड्थ एंड हाइट आपको, विड्थ आपको मैच पैरेंट यूज करना है एंड हाइट आपको रैप कंटेन यूज करना है। ओके, एंड आपको सबसे पहले यहाँ पे आईडी दे देनी है, आईडी @ID लीनियर एंड ओरिएंटेशन भी दे देनी है क्योंकि जो भी हमारे इमेज में यूज होगा वो सब वर्टिकली यूज होगा, इसलिए मैं यहां से दे देता हूं ओरिएंटेशन वर्टिकल। तो आप देख सकते हो मैंने ओरिएंटेशन यहाँ पे दे दिया है। मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूं। अभी हमें लीनियर लेआउट में यहाँ पे एप बार लेआउट को यूज करना होगा, बट आपको ध्यान में रखना है एप बार लेआउट को यूज करने के लिए हमें एक डिपेंडेंसी को पेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट को कनेक्ट करना होगा, तो मैं इंटरनेट को सबसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी मेरा इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिपेंडेंसी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप डिपेंडेंसी को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। जैसे आप इस डिपेंडेंसी को टेक्स्ट को ओपन करोगे तो आपके सामने जो सेकंड में डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है आपको इसको कॉपी करना होगा। तो Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हो एंड नीचे आपको सबसे पहले आ जाना है build.gradle में। तो मैं build.gradle में आ जाता हूँ सेकंड में एंड जो डिपेंडेंसी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इसमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है सिंक नाउ पे। जैसे आप सिंक नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ग्रेडल बिल्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है, तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है तो मैं इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ सबसे पहले एंड मैं अभी एक्टिविटी फूड में आ जाता हूँ, जो भी हमारी .xml फाइल थी उसमें मैं आ जाता हूँ एंड कोड को टाइप कर देता हूँ। आपको कोड में अभी यहाँ पे एप बार लेआउट को यूज करना होगा एंड विड्थ आपको फिल पेरेंट दे देनी होगी एंड हाइट आपको रैप कंटेन यूज करनी होगी। आपको इसको क्लोज करना होगा, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एप बार लेआउट को एंड यहाँ से आपको टूल बार को यूज करना होगा। विड्थ आपको यहाँ से फिल पैरेंट यूज करनी है एंड हाइट आपको एक्शन बार साइज यूज करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे टूल बार को यूज कर रहे हैं इसलिए हमारा हाइट एक्शन बार साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हो जो हाइट में दे रहा है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज करता हूँ एंड एटर का यूज करता हूँ एंड एक्शन बार साइज का यूज करता हूँ। ओके, तो आपको आईडी दे देनी है टूल बार के लिए, आईडी @ID टूल कैपिटल बार। ओके, आपको अभी सबसे पहले ग्रेविटी यूज करना होगा, लेआउट ग्रेविटी सेंटर में यूज करना होगा क्योंकि जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा या फिर टूल बार रहेगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो भी हमारी स्क्रीनशॉट है। तो देख सकते हो जो हमारी टूल बार है इसमें जो
टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, लेआउट ग्रेविटी सेंटर में यूज हो रहा है, इसलिए हम सेंटर को यूज कर देते हैं यहाँ से, एंड आपको ग्रेविटी भी सेंटर दे देना। बट आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है जो भी टूल बार है, तो आपको यहाँ से बैकग्राउंड को चूज करना होगा। तो बैकग्राउंड को आपको बैकग्राउंड में क्लिक करना होगा, क्वेश्चन मार्क का साइन देना होगा, एंड जो भी हमारा कलर प्राइमरी कलर है इसको हमें सिलेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हो कलर प्राइमरी अभी विजिबल हो चुका है, जो भी हमारा डार्क कलर था, अभी हमें इसको क्लोज करना होगा। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जो भी हमारा टूल बार था, टूल बार में ही हमें इमेज व्यू एंड टेक्स्ट व्यू को यूज करना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टूल बार है, एक इमेज व्यू है एंड टेक्स्ट व्यू है। तो सबसे पहले हमें इमेज व्यू को यूज करना होगा, तो मैं इमेज व्यू को यूज कर देता हूँ। इमेज व्यू हाइट आपको रैप कंटेंट दे देने, हाइट विड्थ ऑन क्लिक आपको यूज करना है। जैसे आप इस पर ऑन क्लिक करोगे तो आपको बैक जाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुट गो बैक। हम इस एरर को बाद में रिजोल्व कर देंगे, इसको आपको एंटर कर देना अभी, एंड स्केल टाइप यहाँ से एंटर करना है। स्केल टाइप आपको फिट एक्स वाई यूज करना है, एंड सोर्स में बैक का साइन दे देना है। तो आपको पता होगा यहाँ पे अभी तक हमने बैक का साइन यूज नहीं किया है, तो हम सबसे पहले ट्रैवल में जाके एक बैक का जो भी आइकन है इसको क्रिएट कर देते हैं। तो मैं ड्रॉएबल पे क्लिक कर देता हूँ, न्यू ड्रॉएबल सॉरी वेक्टर असेट, एंड क्लिप आर्ट पे क्लिक करना होगा आपको। क्लिप आर्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारा आइकन होगा थोड़ा लोडिंग होगा, आप देख सकते हो जो बैक स्पेस का दिखाई दे रहा है बैक का, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, ओके पे क्लिक करना होगा, एंड यहाँ से आपको कलर चूज करना होगा। तो मैं व्हाइट कलर यहाँ से चूज कर देता हूँ, एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, एंड यहाँ से जो भी हमने ड्रॉएबल फाइल में अभी लेफ्ट के लिए बनाई है वो यूज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमारा इमेज व्यू यहाँ पे विजिबल हो चुका है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अभी, क्योंकि इमेज व्यू का अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का यूज करता हूँ। आपको ध्यान में रखना है कैपिटल टेक्स्ट व्यू का यूज करना है, एंड जो भी विड्थ एंड हाइट रहेगी हमारे रैप कंटेंट यूज करना है। मैं इसको रैप कंटेंट यूज कर देता हूँ, एंड लेआउट ग्रेविटी आपको सेंटर यूज करनी है। तो एंड्रॉयड यूज करना है सबसे पहले, एंड्रॉयड लेआउट ग्रेविटी, यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी सेंटर यूज नहीं हो रहा है, तो बस आपको यहाँ से कॉपी करना होगा टूल बार से लेआउट ग्रेविटी को, एंड यहाँ पे पेस्ट करना होगा। क्योंकि हमें लेआउट ग्रेविटी इसलिए यूज करनी है, जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा टिप्स एंड डैट वो हमारा सेंटर में रहेगा, इसलिए हमें यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी यूज करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ, एंड अभी हम पैडिंग यूज कर देते हैं। पैडिंग लेफ्ट 10.0 dp, एंड टेक्स्ट को आपको यूज करना होगा। टेक्स्ट वहां पे आपको टिप्स एंड डाइट यूज करना होगा, एंड का साइन देना होगा एंड डाइट। बट आप देख सकते हो जैसे मैंने एंड का साइन दे दिया यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो एरर को रिजोल्व करने के लिए एंड यहाँ पे विजिबल भी नहीं हो रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे एंड के बाद में एएमपी यूज करना होगा, एएमपी सेमी कॉलम। जैसे हम यहाँ पे दे देंगे तो आप देख सकते हो अभी हमारा एरर रिजोल्व हो चुका है। मैं टेक्स्ट कलर दे देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा है, तो टेक्स्ट कलर आपको वही व्हाइट दे देना है। तो आप देख सकते हो अभी विजिबल हो चुका है। बट आपको ये ध्यान में रखना है एएमपी लगा ही ना है, अगर आप सपोज इसको यूज नहीं करते हो तो यहाँ पे विजिबल नहीं होगा जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा। ओके, इसलिए आपको एंड यूज करना है, एंड के बाद आपको एएमपी यूज करना है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ टेक्स्ट कलर के बाद, एंड टेक्स्ट का जो भी हमारा टेक्स्ट साइज है इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, 20.0 dp कर देता हूँ, एंड मैं टेक्सटाइल बोल्ड कर देता हूँ। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो मेरा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। अभी हमें सिर्फ एक ही यूज करना होगा लिस्ट व्यू को, क्योंकि इसके नीचे आप देख सकते हो इस इमेज में यहाँ पे लिस्ट व्यू यूज हुई है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो हमें सबसे पहले नीचे आना है लीनियर लेआउट के नीचे, एंड लिस्ट व्यू क्रिएट करनी है।
तो सबसे पहले आपको रिलेटिव लेआउट यहाँ से इंप्लीमेंट करने हैं, तो मैं रिलेटिव लेआउट कर देता हूँ एंड विथ आपको मैच पेरेंट एंड हेड में आपको मैच पेरेंट यूज़ करने हैं आपके पास। इसके बाद मार्जिन टॉप दे दिए हैं आपको, मार्जिन टॉप 5 dp एंड लेआउट बिलो आपको यूज़ करना है। लेआउट बिलो आपको लीनियर के नीचे, क्योंकि हमने जो टूल बार यूज़ किए थे, मैं आपको एक बार विजिबल कर देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ से एक लीनियर लेआउट को यूज़ किए थे, जैसे हम लीनियर लेआउट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो पूरा लीनियर लेआउट सिलेक्ट हो चुका एंड इसकी आईडी थी लीनियर। तो हमें इसके नीचे यूज़ करना है जो भी हमारा लिस्ट व्यू था उसको, लेआउट बिलो यूज़ करना है आपको। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ लेआउट बिलो एंड एट द रेट आईडी लीनियर, जिसकी भी वो आप देख सकते हो जो हमने लीनियर लेआउट यूज़ किया था, हमें इसके नीचे लिस्ट व्यू को यूज़ करना है। ओके, बट यहाँ से डिफरेंट चूज हो चुका है तो मैं इसको लिस्ट व्यू में चेंज कर देता हूँ सबसे पहले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट व्यू आ चुका है। ओके, तो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सॉरी, हमें लिस्ट व्यू नहीं, यहाँ पे हमें रिलेटिव लेआउट यूज करनी होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे पैडिंग भी यूज करना होगा, इसलिए हम यहाँ पे रिलेटिव लेआउट को यूज करते हैं। ओके, अभी हम रिलेटिव लेआउट के अंदर हम लिस्ट व्यू को यूज करेंगे। तो लिस्ट व्यू में आपको हाइट एंड विड्थ मैच पेरेंट दे देना है एंड आपको यहाँ से आईडी दे देनी है, आईडी एट द रेट लिस्ट। ओके, एंड इसको क्लोज कर देना है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है, मैं आपको अगेन एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली, बट यहाँ पे बिल्ड फॉर मसल शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट नहीं की। तो सबसे पहले अगेन हमें यहाँ पे रो क्रिएट करना होगा। जैसे हम रो क्रिएट करेंगे, रो हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं जो आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का एंड जो इसमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, हमें इसको क्रिएट करना होगा। तो मैं एक लेआउट फाइल में चला जाता हूँ एंड एक अगेन लेआउट फाइल में क्रिएट कर देता हूँ। लेआउट में जाके आपको न्यू क्रिएट करना होगा, लेआउट रिसोर्स फाइल एंड आपको वहाँ पे रो यूज़ करना होगा, ROW एंड यहाँ पे ओके यूज़ करना होगा। जैसे मैं ओके यूज़ कर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं रो फाइल क्रिएट हो चुके हैं। अभी आपको यहाँ पे रिलेटिव लेआउट चेंज करना होगा कंस्टिट्यूएंट लेआउट को। एंड जो भी हमारी विड्थ है उसको हमें मैच पेरेंट यूज करना होगा एंड जो हमारी हाइट है इसको रैप कंटेंट यूज करना होगा। मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 1 dp, पैडिंग 1 dp एंड यहाँ पे हमें टेक्स्ट भी यूज करना होगा। मैं टेक्स्ट भी यूज कर देता हूँ यहाँ से, मैं टेक्स्ट व्यू को विड्थ को विल फिल पेरेंट कर देता हूँ एंड हाइट को रैप कंटेंट। आपको मार्जिन टॉप दे देनी है 5.0 dp, बैकग्राउंड यहां से आपको चूज करना है #FF0347। ओके, बट यहां पे अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूं, DD कर देना है यहाँ पे आपको। तो आप देख सकते हो जो हमारे स्क्रीनशॉट में कलर था वही कलर आपको विजिबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी ग्रेविटी दे देता हूँ। ग्रेविटी तो आपको सेंटर होरिजेंटल की यूज़ करना होगा क्योंकि हमें सेंटर होरिजेंटल में चाहिए टेक्स्ट एंड पैडिंग आपको दे देनी है 12 dp एंड टेक्स्ट आपको यूज़ करना है। तो मैं कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट में, तो मैंने टेक्स्ट लिख दिया है बट यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है इसलिए हम टेक्स्ट कलर को सबसे पहले चेंज करेंगे। टेक्स्ट कलर #FF एंड आपको एंटर करना होगा एंड टेक्स्ट साइज आपको चेंज करना होगा। टेक्स्ट साइज में 20 sp कर देता हूँ एंड टेक्स्ट स्टाइल को मैं बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि अच्छे से यहाँ पे विजिबल अगेन हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे बोल्ड कर दिया है। अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
स्क्रीनशॉट में अगेन हम देख लेते हैं हमारा कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। यस अभी हमारा हो चुका है इसी कलर का, बट यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रही होगी स्पेस, तो हमें इस स्पेस को यूज करना होगा। तो हम जाते हैं रो में एंड यहाँ पे स्पेस का यूज करते हैं। तो स्पेस आपको विड्थ यूज करना होगा मैच पैरेंट, क्योंकि हर इसमें हमें पूरे इसमें चाहिए, एंड हमें हाइट छोटी यूज करना होगा मीन्स 2 dp। हम लेआउट बिलो यूज करेंगे, एंड्रॉइड यूज कर देते हम सबसे पहले एंड्रॉइड लेआउट बिलो, हमें किसके नीचे चाहिए तो इसके नीचे चाहिए। ओके जो भी हमारा टेक्स्ट है, तो हमने यहाँ पे आईडी दी थी, सॉरी हमने यहाँ पे आईडी नहीं दी थे, इसलिए हम आईडी सेट कर देते यहाँ से id@id रो टेक्स्ट। अभी हमें यूज करना है यहाँ पे लेआउट बिलो रो टेक्स्ट, इसके बाद अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है इसलिए मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो जो भी हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपको विजिबल दिखाई दे रहा था वो अभी यहाँ पे आ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले हमने एक्टिविटी फुट क्रिएट किए एंड जो भी हमारा रो यूज होगा ये लिस्ट व्यू में यूज होगा। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जावा कोड देखने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।